दोस्त, तो नवरात्रों में माता को ये फल कभी अर्पित मत करना। ऐसा करने से आपके घर में कंगाली आ सकती है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है क्योंकि ये फल देवताओं के लिए होता है अशुभ। दोस्त, तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर शास्त्रों में काफी अहम माना गया है और कुछ ऐसी सावधानियां बताई गई हैं जिन्हें पूजा पाठ में इस्तेमाल करना महापाप माना गया है। आपको बता दें, ईश्वर की आराधना में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे कि धूप, दीप, प्रसाद, फूल और फल, इन सब का पूजा पाठ में बहुत अहम स्थान होता है, खासकर फल का। और आज हम इसी विषय में आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसे अगर पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाए तो आपके घर में धन आने की बजाय वापस जा सकता है। देवी देवता आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। ऐसे में हम ये जानते हैं कि वह कौन सा ऐसा फल है जिसे पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कई धार्मिक जानकारी शेयर करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो फल कोई और नहीं बल्कि नाशपाती है। ये एक ऐसा फल है जिसे पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल ये फल अपने नाम के कारण पूजा पाठ में इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है, जो कि इसका नाम नाशपाती है। अगर आप गलती से भी भगवान को ये फल अर्पित करते हैं तो आपके ऊपर कई कष्ट आ सकते हैं। ये फल देवी देवताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपने नाम के कारण और इसका अशुभ परिणाम घर में कलेश, झगड़े आदि, पैसों की तंगी और पूजा पाठ में इस्तेमाल घर का नाश कर सकता है। नाशपाती पूजा पाठ में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने पर आपके घर में सुख समृद्धि, धन दौलत का नाश हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे ही नाशपाती खाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूजा पाठ में इस्तेमाल भूल से भी ना करें, क्योंकि इसका नाम ही नाशपाती है, यानी नाश करने वाला। और पूजा पाठ, धार्मिक, ये सभी शुभ अवसर होते हैं। ऐसे में इस फल का उपयोग ना करें। खासकर नवरात्रों में सेब, संतरा, केला, अनार, अमरूद, अंगूर इत्यादि आदि फल माता को चढ़ाए जा सकते हैं और आप भी इन्हीं फलों का सेवन करें। अगर आप चाहते हैं इस नवरात्र पर माता आपके घर पर अपना वास बना ले तो माता को बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, माता हमारे घर जरूर पधारें। जय माता दी। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है।